मेरा एक स्टूडेंट है प्रेमी सर, उनका चैनल है, मैंने उसका वीडियो देखा। वो बच्चा इतने कम उम्र का है पर वो इतना अच्छा पढ़ा रहा है। उसको देखने के बाद मुझे लगा कि वो बच्चा आने वाले 10 साल में जरूर धमाका करेगा। तो कक्षा 10वीं में है। एक बार ना आप प्रेमी सर का जो वीडियो है उसको जरूर देखने बोला बड़ा है। और यकीन मानिए, उसके मैंने लेक्चर्स देखे, उसमें पोटेंशियल मैंने देखा है, उसके पढ़ाने की शैली मैंने देखी है। वो बच्चा सच में बहुत अच्छा करेगा। लास्ट ईयर यूट्यूब में जब मैंने क्लास लेना शुरू किया, बहुत सारे बच्चों ने क्लास अटेंड किया। पिछले साल 12वीं 11वीं के ढेर सारे बच्चों ने क्लास अटेंड किया। तकरीबन अगर एवरेज देखा जाए तो पर डे हमारा जो व्यू जाता था पर दिन भर का, वो 2000-3000 तक जाता था। तो उससे अंदाजा लगता था कितने सारे बच्चे जो हैं वो हमारे वीडियोस देख रहे थे। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये वो बच्चे हैं जो आगे चल के किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या तो वो जेई की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ बच्चे प्लेन बीएससी करना चाहते हैं या फिर बीएससी करना चाहते हैं। और यकीन मानिए, मेरे क्लासेस में कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सिर्फ ये कहा कि सर अब हमें केमिस्ट्री अच्छा लगने लगा है। अभी तो शुरुआत है बेटा आपका, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी पता नहीं चलेगा। आप मेरे पुराने वीडियोस देखेगा, अभी तो कक्षा 10वीं के बाद आप कक्षा 11वीं में आए हो, ऐसे शुरू में पता नहीं चलेगा। ये पता नहीं मोल कॉन्सेप्ट उतना भी इंटरेस्टिंग नहीं होता, मैं कोशिश कर रहा हूं इसको इंटरेस्टिंग बनाने का। तो बच्चों ने जब वीडियो देखना शुरू किया तो इतने सारे बच्चों ने यह बताया कि सर हमें केमिस्ट्री अब इतना अच्छा लगने लगा है कि अब ऐसा मन करता कि हम टीचर बन जाएं, हम भी पढ़ाएं। और इसी चक्कर में यकीन मानिए मेरे कई बच्चों ने अब यह ठान लिया है कि अब हम भी टीचिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अभी मुझे लगातार 2-3 बच्चों का मुझे मैसेज आया, कमेंट आया, सर हम भी टीचर बनना चाहते हैं, हम भी केमिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं। और अब और उन्होंने अभी से शुरू कर दिया है। मेरा एक स्टूडेंट है प्रेमी सर, उनका चैनल है प्रेमी सर नाम का। अभी उस बच्चे ने मुझे 2-3 दिन पहले जो है मुझे कमेंट किया कि सर मैं भी टीचर बनना चाहता हूं, और अभी मैंने 10वीं 12वीं 12वीं के पेपर जस्ट दिया है और मैं अभी से पढ़ाना चाहता हूं। मैंने उसका वीडियो देखा, वो बच्चा इतने कम उम्र का है पर वो इतना अच्छा पढ़ा रहा है। उसको देखने के बाद मुझे लगा कि वो बच्चा आने वाले 10 साल में जरूर धमाका करेगा। तो आप भी, अगर मैंने उसका जो वीडियो देखा, वो जो वीडियो था वो शायद क्लास 10th का था। तो मैं आपसे कहूंगा अगर आपके कोई भी छोटे भाई बहन है जो कक्षा 10वीं में है, एक बार ना आप प्रेमी सर का जो वीडियो है उसको जरूर देखने बोलना। बच्चा छोटा है पर वो इतना मेहनत कर रहा है। और यकीन मानिए, उसके मैंने लेक्चर्स देखे, उसमें पोटेंशियल मैंने देखा है, उसके पढ़ाने की शैली मैंने देखी है। वो बच्चा सच में बहुत अच्छा करेगा। तो आप में से कोई भी बच्चा, मैं सिर्फ इस बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आगे भी कोई भी बच्चा अगर टीचर बनना चाहता है और सर्विस देना चाहता है और खास करके केमिस्ट्री में कुछ करना चाहता है, तो मैं हमेशा उस बच्चे का साथ दूंगा, थ्रू आउट साथ दूंगा। तो कोई भी बच्चा आने वाले टाइम में अगर केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को डिलीवर करना चाहता है, बच्चों तक पहुंचाना चाहता है, तो प्लीज आपको भी कह रहा हूं, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। गूगल में मेरा नंबर अवेलेबल है, मैं हर एक बच्चे के साथ दूंगा जो आगे चल के टीचर बनना चाहता है। तो प्लीज, मेरा एक बहुत प्यारा बच्चा है जिसने अभी अभी चैनल शुरू किया है, छोटा सा चैनल है, मेरा भी चैनल बहुत बड़ा नहीं है, पर वो बच्चा जो है अभी जस्ट शुरू किया है, प्लीज कोशिश करिएगा कि आप अपने छोटे भाई बहन को वो चैनल दिखाइए, आपको सच में संतुष्टि मिलेगी। तो इसी प्रकार कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कोई भी बच्चा जो टीचर बनना चाहता है और केमिस्ट्री का टीचर बनना चाहता है, लास्ट ईयर यकीन नहीं करेंगे, लास्ट ईयर बहुत सारे टीचर्स ने मेरा वीडियो देखा है जो ऑलरेडी किसी संस्था में पढ़ा रहे हैं, स्कूल में हैं, और वो सीख रहे हैं ताकि हम और बेहतर कर सकें केमिस्ट्री को। लगातार कांटेक्ट करते हैं, मेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, इंस्टाग्राम में डीएम करते हैं, यूट्यूब में कमेंट करते हैं। तो अच्छा लगता है जब ये पता लगता है, क्योंकि वो बच्चा टीचर बनना चाहता है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप कभी भी कोई ऐसा मुहिम चलाने की कोशिश करें और लगता है केमिस्ट्री आपने चुना है, तो मैं आपका जरूर साथ दूंगा।